हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। तो आज की इस वीडियो में मैं फ्रेंड्स आपको बताऊंगा कि अगर आप लोग अपने नाम को चेंज करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, किसी का क्या होता है, कोई शादी के बाद किसी के वाइफ अपना नाम चेंज करना चाहती है, वो चाहती है कि जो उसके हस्बैंड का सरनेम है वो अपने सरनेम को ऐड करे, या कई बार क्या होता है कोई अपना लास्ट नेम ऐड करना चाहता है, ठीक है, या कई बार क्या होता है किसी के दो दो नाम चल रहे होते हैं पर वो लीगली चेंज नहीं होते। तो उनको एक पूरा प्रोसेस होता है कि आपको अपने नाम को लीगली चेंज करना होता है, ठीक है, एक गजट के द्वारा, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गजट होता है, ठीक है। तो मैं आज इस वीडियो में पूरी आपको एक एक डिटेल बता दूंगा, हर क्वेश्चन के आंसर दे दूंगा और आपको पता लग जाएगा कि आपको नेम चेंज करवाने की जरूरत क्यों है और कहां पड़ती है और कैसे करवाना होता है, ठीक है। तो वीडियो के साथ बने रहना और वीडियो को पूरा देखना, और अगर आपके दोस्तों के साथ कोई पंगा है, उनको नेम चेंज करना नहीं आ रहा, तो उनको ये वीडियो फॉरवर्ड कर देना फ्रेंड्स, ठीक है। अब मैं आपको एक लाइव सिनेरियो बताता हूँ। मैंने किसी का पासपोर्ट अप्लाई किया था 10 साल पहले, उनका एक नाम था आलोक कुमार, पर अभी जब जो रिसेंटली आधार कार्ड बने तो उन्होंने अपनी उसमें लिखवा दिया आलोक कुमार भारद्वाज। तो जब मैंने उनका पासपोर्ट रीइश्यू के लिए डाला तो पासपोर्ट ऑफिस ने मना कर दिया, वो कह रहे हैं कि आपके दो दो नाम चल रहे हैं, हम आपका पासपोर्ट इशू नहीं करेंगे। उनकी बात भी सही है क्योंकि इतने फ्रॉड हो रहे हैं तो वो दो दो नाम को कैसे। तो उन्होंने उनका एक प्रॉपर तरीका होता है कि आपको अपने नाम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गजट में पब्लिश करना होता है, ठीक है, उसके बाद ही आपका एक प्रूफ मिलता है आपको कि जो दोनों नाम है वो आपके ही नाम है या आपका नाम आलोक कुमार भारद्वाज है, ठीक है। तो इस तरह से आपको गजट में नाम को अपना पब्लिश करवाने के बाद फिर उसकी कॉपी आप पासपोर्ट ऑफिस वालों को दोगे, फिर वो आपको पासपोर्ट इशू करेंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपके सामने डिफ़िकल्टीज आती हैं। अभी जब से आधार कार्ड और पैन कार्ड सरकार ने ज़रूरी किए हैं तो सरकार अपने रूल्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है, तो वो अभी भी कोई भी मतलब क्या कहते हैं जो फ्रेंड्स वो पूरा पक्का काम कर रही है। वो चाहती किसी का भी अगर कोई नाम में पंगा हो तो उनका प्रॉपर पेपर में पक्का ना हो तभी हम उनका काम करेंगे। अभी रिसेंटली मैं एक आपको और बताता हूँ, अगर आपके पैन कार्ड में नाम कुछ और है, आधार कार्ड में कुछ और है, तो आप अपने नाम को चेंज नहीं करवा सकते, क्योंकि अभी पैन कार्ड में नाम चेंज करवाने के लिए भी आपको गजट की नोटिफिकेशन की ज़रूरत है फ्रेंड्स, ठीक है। मान लो आपके आधार कार्ड में नाम सही है और पैन कार्ड में नाम गलत है, तो आप सोचोगे आप अपना आधार कार्ड देके पैन कार्ड में नाम सही करवा लोगे तो आपका नाम सही हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। सरकार बहुत स्ट्रिक्ट हो चुकी है, अभी वो पैन कार्ड में जो नाम होगा वो सिर्फ गजट के द्वारा ही सही होगा और आपको ये सर्विस हम देंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलो अब मैं आपको पूरे क्वेश्चन एंड आंसर बताता हूँ कि नाम चेंज का क्या पंगा होता है, कैसे सही होता है, किन किन दिक्कतों का लोग को सामना करना पड़ता है, कैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, क्या क्या प्रोसीजर होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैं सारे फुल डिटेल में आपको क्वेश्चन एंड आंसर आपके सारे यहाँ पे आपके क्लियर कर दूंगा फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, कौन अपना नाम चेंज कर सकता है। हर बंदा जो इंडियन है, इंडियन नागरिक है, वो अपना नाम चेंज कर सकता है, ठीक है। तो गजट के द्वारा उसका पक्का नाम चेंज होगा, उसके बाद वो नाम चेंज का सर्टिफिकेट लगाए तो उसके हर डॉक्यूमेंट में वो वैलिड होगा नाम, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा क्वेश्चन आता है, कई लोग कहते हैं कि हमने नाम तो अपना चेंज करवा लिया है पर हमारा 10th मार्कशीट में नाम तो वही पुराना वाला चल रहा है और 12th मार्कशीट में भी पुराना वाला चल रहा है, तो क्या हम अपने नए वाले नाम को 10th और 12th की मार्कशीट में चेंज करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, नाम चेंज अगर आपका हो जाता है तो मार्कशीट में नाम चेंज कराना बहुत ही मुश्किल काम होता है, इवन कि वो एक इम्पॉसिबल ही होता है, पर फिर भी अगर आपको करवाना है तो आप एक ज़बरदस्ती वाला काम ही होता है कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस करो, तो केस के बाद अगर कोर्ट में जज डिसीजन फाइनल करता है कि हाँ इनका नाम 10th के सर्टिफिकेट में है, प्लस टू या ग्रेजुएशन में चेंज होना चाहिए, तो वो चेंज होगा। अगर उसने मना कर दे तो आपका चेंज नहीं होगा। वैसे मेरे अकॉर्डिंग ये टाइम वेस्टेज है। आपके नाम चेंज होने के बाद आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में नाम चेंज नहीं होता है तो आपको ट्राई करने की जरूरत नहीं है, टाइम ऑफ वेस्टेज है इस चीज़ में, ठीक है फ्रेंड्स। नाम चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो फ्रेंड्स, नाम चेंज करने की जरूरत इसलिए पड़ती है, जैसे मान लो कोई लड़की है, वो अगर उसका नाम है ईशा रानी और जब वो शादी करवा के किसी के पास जाती है, उनका नाम है अशोक ग्रोवर, तो वो चाहती है कि उसका नाम ईशा रानी ग्रोवर या तो उसकी कास्ट ऐड हो जाए, या कई बार शादी के बाद उसके घर वाले उसका नाम चेंज कर देते हैं। तो एक बार उनका नाम चेंज कर दिया तो फिर उनको उसी नाम के डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं, तो सारा काम उनको उसी नाम से करना पड़ता है, तो उसके लिए गजट की नोटिफिकेशन चाहिए होती है, पूरी फाइल तैयार करनी पड़ती है, पूरी सीडी वगैरह तैयार करनी पड़ती है, ठीक है, फिर आपको पब्लिकेशन में जाके उनको फाइल जमा करवानी होती है, तो फिर आपका लीगली तरीके से नाम चेंज होता है फ्रेंड्स, ठीक है। नाम चेंज करवाना नेसेसरी नहीं है, पर अगर आपके दो दो नाम चल रहे हैं या आपका शादी के बाद नाम चेंज होता है तो ये आपकी ज़रूरत बन जाती है कि आपको अपना नाम चेंज करवाना ही पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। अदरवाइज़ आप
लीगल नहीं माने जाओगे, दो दो नामों में आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेंगे, तो आपको बहुत दिक्कत आएगी फ्रेंड्स। मेरे साथ ही बहुत सीन ऐसे हो रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। कई लोगों के नाम के साथ में उनका सरनेम नहीं होता है, तो उसका क्या सलूशन है? उसका सलूशन फ्रेंड्स ये है, जैसे मान लो कि आपका कोई बच्चा है, ठीक है, तो अगर आपका नाम किरण सूद है, ठीक है फ्रेंड्स, तो उसका नाम राघव है, ठीक है फ्रेंड्स, तो आप चाहते हो कि राघव के साथ में उसके सरनेम राघव सूद लगवाना चाहते हो, आपका राघव सूद नाम चले, तो वो नाम सरनेम तभी ऐड हो सकता है जब आपके माता पिता के नाम के साथ में सरनेम होगा या आपके भाई बहन के साथ में सरनेम होगा, तभी आपकी फाइल प्रॉपर तैयार होगी और तभी आपके नाम के साथ में सरनेम फ्रेंड्स लगेगा, ठीक है। अगर आपकी गोत्र है और आपके नाम के साथ में गोत्र नहीं लगी है, तो और आपके माता पिता के नाम के साथ में भी गोत्र नहीं है या सरनेम नहीं है, तो क्या आप नाम सरनेम ऐड करवा सकते हो? जी हाँ फ्रेंड्स, आप करवा सकते हो। उसके लिए आपको एक तहसीलदार से टाइप करवा के उसके साइन करवा के करवाने होंगे, उसी के बाद ये सारा प्रोसेस होगा, तभी आपका नाम आपके नाम के साथ में गोत्र लगेगी फ्रेंड्स। सरनेम ऐड करना तो ठीक है, क्या हम सरनेम को हटा भी सकते हैं? यस फ्रेंड्स, अगर आपका सरनेम राघव सूद है और आप सिर्फ राघव बनना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। उसके लिए आपको न्यूज़पेपर में एड्स देनी पड़ेंगी, फिर आपको गजट में पब्लिश करवाना पड़ेगा, तभी ये काम होता है, ठीक है। तो ये काम पूरा लीगली कानूनी तरीके से होता है, पूरे इंडिया में ये वैलिड होता है। इंडिया क्या, इवन आप अगर आप गजट में पब्लिश करवाते तो आपका वो नाम पूरे वर्ल्ड वाइड में वैलिड होगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आता है, क्या माइनर भी नेम चेंज कर सकते हैं? जी हाँ फ्रेंड्स, माइनर भी बिल्कुल नाम चेंज कर सकते हैं उनकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन के लिए। बस माइनर में क्या होता है, जो काम अडल्ट करता है वो काम अब माइनर के केस में जो उनकी फाइल बनेगी वहाँ पे उनके मदर फादर के सिग्नेचर होंगे, तभी उनका नाम चेंज होगा। अडल्ट में क्या होता है, वो खुद सिग्नेचर करते हैं, माइनर के केस में क्या है, उनके माता पिता को सिग्नेचर करना पड़ता है। और हम इस सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, अगर आपको ये सर्विस चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। अगर आपको नाम चेंज करवाना है तो आप मुझे अपनी डिटेल व्हाट्सएप करिए, डिटेल में आपको अपना पुराना नाम मेंशन करना है, नया नाम मेंशन करना है, ईमेल आईडी मेंशन करनी है और मोबाइल नंबर मेंशन करना है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपका नाम कैसे लीगली चेंज होगा। मैं आपको पूरी फाइल तैयार करके दूंगा, ठीक है, एक एक चीज़ कंप्लीट बना के दूंगा, फिर आपको खुद जाके फाइल को जमा करवाना है, अदरवाइज आप कोरियर भी कर सकते हो और लीगली तरीके से आपका नाम चेंज हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। एक चीज़ का और ध्यान रखो फ्रेंड्स, पूरी उम्र पूरी जिंदगी में आप सिर्फ एक बार ही नेम चेंज करवा सकते हो। दो बार अगर आपने ज़बरदस्ती पैसे देके नेम चेंज करवाया या किसी इलीगल तरीके से करवाया तो वो एक फ्रॉड है, वो इंडिया में एक फ्रॉड माना जाता है और आप पे केस भी हो सकता है। तो इंडिया सिर्फ एक ही बार आप अपने नाम का चेंज कर सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे मान लो किसी का नाम है गीता, तो कुछ लोग गीता को लिखते हैं GITA और कुछ लिखते हैं GEET A, तो आपको मान लो इसी चीज़ का फर्क पड़ गया, आपका नाम था GITA और आधार कार्ड में लिखा गया, पैन कार्ड में लिखा गया GEET A किसी कारणवश, तो आप अपने इस नाम को चेंज कर सकते हो। इसके लिए आपको पब्लिक नोटिस निकालना पड़ता है, तो पब्लिक नोटिस के थ्रू आपका ये नाम चेंज होगा। मतलब किसी भी तरह का नाम चेंज हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का नाम चेंज हो, गजट में पब्लिश करा, वो सारे काम की फैसिलिटी हम आपको देंगे, ठीक है। तो आप हमसे फैसिलिटी ले सकते हो। अगर आपके दोस्तों को कोई पंगा है, उनको नहीं पता ये काम कैसे करवाना है, कहाँ से करवाना है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर डिटेल भेजो, हम आपको सर्विस दे के आपका ये काम करवाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। कई बार फ्रेंड्स क्या होता है, कुछ लोगों को डाइवोर्स हो जाता है या किसी की डेथ हो जाती है, तो वो लोगों को डाइवोर्स से अपना सरनेम हटवाना आता है, तो वो भी हम काम करवाएंगे आपका, ठीक है। किसी का डेथ हो जाती है अगर हस्बैंड की, तो वहाँ से उनको सरनेम हटवाना होता है वाइफ को, तो वो उनके डेथ सर्टिफिकेट से दे के वो भी काम न्यूज़पेपर में ऐड दे के हम करवा देते हैं, ठीक है। तो आप डेथ सर्टिफिकेट शो करके आप अपने जो सरनेम को हटा सकते हो। डाइवोर्स के केस में भी आप अपने हस्बैंड से डीड लेके, डीड पे साइन करवा के आप अपना सरनेम हटा सकते हो, या फिर आपको कोर्ट का नोटिस जो आपको मिला है, वो नोटिस कोर्ट का जो आपको डाइवोर्स के पेपर मिलते हैं, वो पेपर दिखा के आप अपने वाइफ का सरनेम हटा सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। अब कई बार कुछ लोगों की शादी होती है, कुछ लड़कियों की शादी होती है, तो उनको अपने हस्बैंड के सरनेम को अपने साथ ऐड करना होता है, तो वो भी बिल्कुल एक लीगल तरीके से गजट के साथ होता है। तो हम आपको उस चीज़ की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अगर आपको हस्बैंड का नाम चेंज करवाना है, सॉरी हस्बैंड का नहीं, अगर आपको अपने वाइफ को अपने नाम के साथ हस्बैंड का सरनेम ऐड करवाना है, तो वो भी आपको ये नहीं कि आपने लिखवा दिया और आपका हो गया, लीगल तरीके से हम वो भी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आता है कि कितना टाइम लगता है फ्रेंड्स, अब फाइल पूरी तैयार होने के बाद अगर आप खुद पब्लिकेशन के ऑफिस में जाके फाइल जमा करवाते हो, तो एक महीने में आपका टाइम काम हो जाएगा, गजट पब्लिश हो जाएगा, गजट पब्लिश होने के बाद आप अपना काम कर सकते हो।
अगर आप फाइल को कोरियर करते हो तो 2.5 से 3 महीने लग जाएंगे इस केस में, तो 3 महीने तक आपको वेट करनी पड़ेगी। उसके बाद जब गजट पब्लिश होगा, हम आपको बताएंगे गजट को चेक कैसे करते हैं, कहाँ से आपको देखना है कि आपका गजट में नाम पब्लिश हुआ है कि नहीं हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। कई लोग कहते हैं कि मैंने अपना नाम तो चेंज करवा लिया, पर मेरे 10th के सर्टिफिकेट में पुराना नाम चल रहा है, प्लस 2 के सर्टिफिकेट में पुराना नाम चल रहा है, तो क्या ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अपना 10th के सर्टिफिकेट के साथ में गजट की नोटिफिकेशन दे सकते हो, वो उसको एक्सेप्ट करेंगे और आपको आपके नए नाम के साथ ही आपको मानेंगे वो, ठीक है। आपको बस हर जगह गजट नोटिफिकेशन का प्रूफ दिखाना होगा, तभी आपका न्यू नाम लीगल माना जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। मुझे अगर आपसे बात आपको अगर मुझसे ये काम करवाना है, मैं आपका ये काम करूँगा, आपको फाइल पूरी रेडी करके दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मेरा नोट कर लीजिए, वहाँ पे आपको पहले कॉल नहीं करनी है, कॉल मैं नहीं उठाऊँगा, ठीक है। अगर बहुत ज़रूरी हो उसी केस में मैं कॉल उठाऊँगा। पहले आपको क्या करना है, अपना पुराना नेम, न्यू नेम, आपका केस क्या केस है, आपका क्यों नाम चेंज करवाना चाहते हो, वो आपको डिटेल मैसेज करनी है, ईमेल आईडी मैसेज करनी है। उसके बाद फिर मैं आपको खुद फ़ोन करूँगा, ठीक है, या फिर मेरे एम्प्लॉय आपको फ़ोन करेंगे, वो आपसे पूछेंगे, फिर मैं आपको सारा प्रोसेस बताऊँगा। तो ये पूरा तरीका होगा, ठीक है, ऐसे आपका मैं नाम चेंज करवाऊँगा, हम आपको एक एक चीज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। अब अगर आपके मन में डाउट आएगा भाई क्या मैं पैसे लेके भाग तो नहीं जाऊँगा, क्या आपका काम होगा नहीं होगा, फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, मेरे चैनल ग्रो कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। मैं आपसे कोई ज़्यादा पैसे भी चार्ज नहीं करूँगा, 4 से 5 हज़ार रुपये चार्ज करूँगा, या मे भी 2 से 3 हज़ार रुपये चार्ज करूँ, ठीक है। तो अगर मैं आपका काम करवा के दूंगा तो गारंटेड आपका काम होगा, नहीं होगा तो मैं आपके पैसे वापस करूँगा, ठीक है। और मैं आपके 2-3 हज़ार रुपये के पीछे अपना 15 हज़ार सब्सक्राइबर वाला चैनल तो छोड़ नहीं सकता, ठीक है। तो आपके पैसे बिल्कुल सिक्योर होंगे, आपको 100% आपका काम मिलेगा, आपके अगर काम नहीं होगा तो आपको आपके पैसे वापस मिलेंगे, वैसे तो आपका काम 100% होगा फ्रेंड्स, ठीक है। आपकी फाइल को रेडी होने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको फॉलोअप कैसे करना है, कहाँ पे आपको फ़ोन करना है, कहाँ पे आपको गजट में चेक करना है कि आपका नेम पब्लिश हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इस तरह मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर करके बताऊंगा, फिर ही आप अपना काम कर सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। और फ्रेंड्स आज के टाइम में ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि आपको पता है डिजिटल इंडिया हो रहा है, सारा कुछ कंप्यूटर में सेव हो रहा है, तो बहुत से लोग अभी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बहुत से लोग फेस करेंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को गजट में कैसे चेंज करवाना है वो भी मैं आपका करवा के दूंगा, ठीक है। एक लाइव एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, एक मेरा फ्रेंड है उसका नाम था अनीता, तो उन्होंने अपना आधार कार्ड बनवाया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अपने आधार कार्ड तो एक बार जो नंबर आधार कार्ड का आपको इशू हो गया वही रहेगा, तो उन्होंने बाद में उस पर नाम चेंज करवा लिया। तो अभी तक उनकी प्रॉब्लम ये आ रही है कि उनका नए नाम वाला फ्रेंड्स आधार कार्ड निकल ही नहीं रहा है फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि उनका दो दो नाम, दो दो स्पेलिंग का बहुत पंगा हो चुका है, तो उनका भी आई थिंक गजट से ही होगा। तो मैं आपको गजट से रिलेटेड कोई भी अगर नेम चेंज से रिलेटेड कुछ भी हो, पब्लिक नोटिस से रिलेटेड कोई भी इशू हो, मैं आपके हर चीज़ का सोल्यूशन आपको बताऊंगा, ठीक है। आप एक बार मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो शेयर कर दो, ताकि जिसको ये प्रॉब्लम जो बंदा फेस कर रहा है उसकी फ्रेंड्स हेल्प हो सके, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, डाउट हो कमेंट करो, ठीक है, और शेयर तो कर देना प्लीज़, ताकि किसी बंदे की हेल्प हो जाए। बहुत से लोगों को पता नहीं कि गजट में नाम कैसे पब्लिश करना है, बहुत से लोग इशू आ रहे हैं, लोग उनसे 15-15, 20-20 हज़ार रुपये इस चीज़ के ले रहे हैं, और मैं बहुत नॉमिनल चार्जेस में उनका काम करूँगा, कोई 10 हज़ार 5 हज़ार नहीं लूँगा, बहुत हल्के फुल्के चार्जेस में उनका काम करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।